हेलो गुड मॉर्निंग, हाउ यू गाइस डूइंग। सबसे पहले मैं आप सबको मेरी क्रिसमस बोलना चाहूंगा। हैव अ लवली 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 क्रिसमस दिस ईयर एंड अ बेटर न्यू ईयर एंड आई एम जस्ट रियली ग्रेटफुल कि यू नो टू बी आउट हियर एंड टू बी इनवाइटेड आउट हियर। मैंने एक्चुअली अभी एक फिल्म की थी बर्फी, आप लोग ने बर्फी देखी है? I just want to wish everyone a very Merry Christmas and I want to give a big applause to all the parents over here for how they've supported their children and their year and giving them the will to fight, and definitely all the children are going to overcome this. So I think everyone should give a big applause to the parents over here. नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। यू नो, दादा ने इस बारे में मुझे कहा था कि ये फंक्शन हो रहा है यहाँ, तो आई वाज मोर देन हैप्पी टू बी आउट हियर। बट ऐसे नहीं कि क्योंकि अभी साल एंड होने वाला है तो इस कारण मैं कुछ चैरिटी रेजोल्यूशन से नहीं। बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि एक चीज़ होता है खुद नाचना, स्टेज पर नाचना, बट बच्चों के साथ नाचना कुछ और ही एक्सपीरियंस होता है। गेटिंग अ स्माइल ऑन समवन्स फेस लाइक रणबीर सेट। और एक बात मैं कहना चाहूँगा इस हॉस्पिटल के बारे में, क्योंकि मैंने डॉक्टर बारवे से काफ़ी बात की थी, तो उन्होंने कहा था कि ये दिस इज़ इंडियाज लार्जेस्ट कैंसर रिसर्च एंड केयर हॉस्पिटल, विच इज़ अ ग्रेट थिंग। एंड ऑनली इंडिया, एक्चुअली एशियाज लार्जेस्ट, एंड दे ट्रीट मोर कैंसर पेशेंट्स। इधर सबसे ज़्यादा ये हॉस्पिटल में पेशेंट्स ट्रीट होते हैं ग्लोबली। हम सब, मेरे ख्याल से मेरे जैसे कई सारे फिल्म मेकर, हर लेखक, हर पेंटर इस इंसिडेंट से इतना, ये हमेशा से था लेकिन इस बात ने इतना ट्रिगर किया हमारे अंदर उस इमोशन को। आई थिंक एवरीबडी इज डूइंग समथिंग ऑन दिस फील्ड, वी विल ऑल सी इट कमिंग आउट। लोग पेंटिंग बना रहे हैं, लिख रहे हैं, फिल्मों की कहानी लिखी जा रही है। मैंने भी अपने गुस्से को कहानी में उतारा अगले दो दिन, मतलब जिस दिन यह हुआ उसके दो दिन मैंने कहानी लिखी। तो कब बनी क्या बनी की पता नहीं, कि हम सब ने, ये हमारा तरीका आर्टिस्टों का गुस्सा निकालने का, कि आप कागज़ में कलम में गुस्सा निकाले, पर्दे पर गुस्सा निकाले, हमने किया। वेल मैं ऐसे तो कोई मैसेज यू नो कुछ मेरे माइंड में नहीं आ रहा, बट मैं ये कहना चाहूँगा कि यू नो डोंट वरी बी हैप्पी। एंड जैसे वरुण ने स्टेज पे भी कहा था कि जो पेरेंट्स हैं बच्चों के, आई थिंक हमें उनको अपलोड करना चाहिए, क्योंकि जो उन पर गुजरती है वो एक्चुअली हम कभी जा नहीं पाएंगे। एंड आई थिंक इफ दे आर स्ट्रॉन्ग, अगर वो यू नो स्ट्रॉन्ग रहे, सो आई थिंक एवरीथिंग बी फाइन। सो जस्ट बी स्ट्रॉन्ग, डोंट वरी बी हैप्पी।